छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक ग्रामीण अपने पालतू कुत्ते को लेकर कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र पहुंच गया। ग्रामीण की इच्छा जानकर मेडिकल स्टाफ चिंता में पड़ गया कि क्या किया जाए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कोरोना टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्यकर्मी तब चिंतित हो गए जब एक ग्रामीण कुत्ते को लेकर टीका लगवाने के लिए आया। पहले तो ग्रामीण की बातें सुनकर मेडिकल स्टाफ हैरानी में पड़ गया। फिर ग्रामीण को समझाने की कोशिश की गई। कुत्ते को टीका लगाने से मना करने पर ग्रामीण नाराज हो गया और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हाथापाई पर उतर गया। मेडिकल स्टाफ से ग्रामीण को उलझने के बाद मामला और गर्म हो गया, जिसके बाद टीकाकरण के काम में तैनात कर्मचारी अपनी सुरक्षा को लेकर हड़ताल पर बैठ गए। मामला बढ़ने के बाद पुलिस को घटना की सूचना मिली। पूरे मामले की शिकायत बलको थाना तक पहुंची। पुलिस को बताया गया कि रामनारायण नामक ग्रामीण शराब के नशे में धुत होकर अपने पालतू कुत्ते के साथ टीकाकरण केंद्र पहुंचा था, जिसके बाद उसने लैब वालों के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। दरअसल कोरबा जिले के वनाचन गांव में स्वास्थ्य केंद्र टीकाकरण का काम चल रहा है। इसी दौरान रामनारायण सिंह वैक्सीन सेंटर अपने 3 पालतू कुत्तों के साथ पहुंचा था। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने टीकाकरण कर्मचारियों को सुरक्षा देने की बात कहकर वापस काम पे लगने की अपील की है, तब जाकर काम वापस शुरू हुआ। इधर पुलिस ने अमले में हंगामा करने वाले ग्रामीण के खिलाफ कार्रवाई की बात भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।